हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल ट्रैवलर संध्या में, एंड आई होप यू ऑल मस्ट बी डूइंग गुड। तो फिर से हम हाजिर हैं आप सभी के लिए बिल्कुल एक नए व्लॉग के साथ। अब पूरे खेतों में पानी भर चुका है गाइस, और अब लोगों ने टिलिंग स्टार्ट कर दी खेतों में पूरे ज़ोरों शोरों से। और देखिए, वहाँ ट्रैक्टर से खेतों को कोड़ा जा रहा है और उसे प्लेन बनाया जा रहा है ताकि उसमें रोपण का काम शुरू हो सके। और पूरे एरिया में इसी तरह से अभी लोग जुट गए हैं काम करने में। कुछ दिनों में अब रुपाई भी स्टार्ट हो जाएगी। मेरे घर के रास्ते में ये एक ITI कॉलेज है और पारा मेडिकल कॉलेज भी, मतलब दोनों यहाँ पे स्टडीज़ दोनों की होती हैं यहीं पे, नर्सिंग की भी और हॉस्टल भी है इसी में। तो फ़िलहाल तो ये लॉकडाउन से बंद है और इसमें बच्चे दूर दूर से आके पढ़ते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, और यहीं पे हॉस्टल वगैरह की सबकी सुविधा दी गई है तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आज भी हम जा रहे हैं। तो गाइस, चलते चलते हमको लिफ्ट मिल गया, वो भी बस का, और बस पूरी तरह से खाली है। मैंने लिफ्ट दे दी और जाएंगे अभी हम लोग सेंटर। और आज मुझे कुछ काम भी है क्योंकि आज मुझे बैंक जाना है और वहाँ पे अपने सारे मोबाइल बैंकिंग करवानी है और मोबाइल नंबर अपडेट करवाना है। उसके लिए आज बैंक जाना है और भी कुछ कुछ काम है। तो देखते हैं आज का दिन कैसे गुजरता है। बैंक में तो फिलहाल काफ़ी भीड़ होती है, बट जाके देखेंगे कि कैसा है माहौल। वैसे कोविड की वजह से पूरी तरह से अभी तो बैंक्स बंद ही रहते हैं, बाहर से ही एंट्री नहीं दी जाती है, ताला लगा रहता है, बाहर से ही जो भी काम है करना पड़ता है। चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। पहले तो सिलाई सेंटर जाएंगे, उसके बाद। तो फ्रेंड्स, ये है विकास मार्केट। वैसे तो आज बाज़ार नहीं है गाइस, बट फिर भी लोग रोड के किनारे ये सब्जियों के स्टॉल्स लगाते हैं। और बाज़ार मोस्टली यहाँ पे सिर्फ दो दिन लगता है, थर्सडे और मंडे, और यहाँ पे ये कुछ स्टॉल्स हैं। और ये रास्ता अंदर की तरफ जाता है और इधर भी बाज़ार लगता है। और यहाँ पर एक मंदिर है, यहाँ पर भी कुछ सब्जियों की दुकानें, रोड की उस तरफ कुछ फल के भी दुकानें हैं। और ये NH 30 रोड है और यहाँ पे काफ़ी भीड़ भाड़ हो जाती है शाम के टाइम, क्योंकि लोग कुछ कुछ खाने पीने के लिए और सब्जियाँ वगैरह ख़रीदने के लिए आते हैं। तो ये है गाइस बैंक ऑफ इंडिया, जहाँ हमको जाना है। और अभी हम रोड क्रॉस करेंगे, उसके बाद उस तरफ जाएंगे। और बैंक तो अभी बंद ही लग रहा है, बट जाके देखते हैं। सो गाइस, हम फॉर्म ले लिए हैं, एक है मोबाइल बैंकिंग के लिए और एक मोबाइल नंबर अपडेट करवाने के लिए, और साथ ही में आधार कार्ड का जेरोक्स भी करवा लिए हैं। और इसके साथ एप्लीकेशन भी लिखना था, जो कि हम लिख चुके हैं पहले से ही। तो अभी इसे जल्दी से फिलअप कर लेते हैं, उसके बाद सबमिट करेंगे। तो फ्रेंड्स, फॉर्म फिलअप कर लिए हैं हम और अभी हम अंदर आ गए हैं बैंक के, ताला खुलवा के। और आप देख सकते हैं यहाँ कितनी ज़्यादा प्रोटेक्शन है, सब तरफ से प्लास्टिक से घेरा गया है। और ताला खोलने के बाद ही, मतलब खुलवाने के बाद ही आपको एंट्री मिलेगी। और यहाँ पे ये स्क्वायर शेप के ब्लॉक्स बनाए गए रखे हैं,
सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं फुटप्रिंट्स, ताकि लोग उतनी ही दूरी पे खड़े रहें और सोशल डिस्टेंसिंग इजीली से मैनेज की जा सके। और ये है कैश डिपॉजिट करने का। आज का सारा काम कंप्लीट हो गया, बैंक का भी। भीड़ तो नहीं थी बट बाहर से बंद था बैंक, तो ताला खुलवा के गए अंदर और सारा काम कंप्लीट हो गया। हमारे जैसा दिख रहे और इसी के साथ आज का हम ये ब्लॉग भी यहीं पे एंड करते हैं। मिलेंगे आपसे दूसरे ब्लॉग में। टिल देन एवरीवन, टेक केयर एंड बाय बाय।